सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y300 Plus डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर पावर ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। गाइस, अगर आप भी अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं और आपका फोन ऑफ नहीं होता, तो ऐसे केस में आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नया फोन बाई करते हो, जनरली गूगल असिस्टेंट ही सेलेक्ट होता है। जितनी बार आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, बार बार गूगल असिस्टेंट ही ओपन होता है, तो इरिटेट हो जाते हैं। फोन को ऑफ करने के लिए लोग करना सेटिंग्स बंद करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है एक प्रॉब्लम है। तो इसका हम इजी सॉल्यूशन बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसका सेटिंग आता है, आसानी से आप उसे बंद कर सकते हैं। वेल गाइस, इसके लिए हमें ओपन करना होगा अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, एंड स्क्रॉल डाउन करके इसमें नीचे आना, एक सेटिंग्स मिलेगी शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। एक बार आप इसको प्रेस करेंगे, देन इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एंड अगेन स्क्रॉल करना है नीचे, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिलेगा, इसको प्रेस करना है। एंड वापस सेम नाम से सेटिंग्स वापस मिल जाएगी, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। एंड दो ऑप्शंस मिलेंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन है लॉन्च गूगल असिस्टेंट। ये जो सेटिंग्स होती है, क्या होता है, गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करता है पावर बटन ही। अगर उसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ओपन होता है, तो ऐसे में डैशबोर्ड नहीं आता ऑफ करने का। देखो, एक और तरीका है फोन को ऑफ करने का, कंट्रोल सेंटर को डाउन करेंगे ना, तो सर्च बार के आइकन के जस्ट राइट साइड में देखेंगे एक आइकन भी मिल जाएगा पावर ऑफ वाला, वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट करना चाहते हैं सॉल्व, तो उसके लिए आपको इनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेन्यू वाले को चेक मार्क कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आपने इसको सेट करके रखा है तो ये गूगल असिस्टेंट लॉन्च होगा, जो आप अभी देख सकते हैं करंट टाइम पे। तो इसका सलूशन चाहिए तो इसको प्रेस करते हुए आप पहले ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। सो आई थिंक समझे होंगे पावर ऑफ प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना था वीवो के Y300 Plus डिवाइस के अंदर।